1, 2, 3, go! मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ होने वाली है KTM Duke 390 एंड MT-15 में ड्रैग रेस, और अभी थंबनेल ले लिया हमने, अब रेस करते हैं गाइस। तो MT-15 और यामा की MT-15 और यहाँ KTM Duke 390, तो भाई सभी को पता है जीतनी कौन सी है, लेकिन भाई ये है कि पावर कितनी ड्रॉप हो रही है, मतलब कितना पीछे रह रही है वो चीज़ देखूंगा। तो एक बार पहले मैं तो 390 से चलता हूँ, उसके बाद गाइस MT चला के देखूंगा कितना पीछे रह जाती है। एंड गाइस साउंड करें, फुल एक्सेलेरेटर एक बार साउंड 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 हाँ ओहो। तो गाइस चले फिर, 1, 2, 3। ओहो भाई। एंड गाइज MT चलाते हैं एक बार, फिर देखते हैं गाइज 390 कितनी आगे निकल रही है। तो यहाँ से गाइज बाइक एक्सचेंज करते हैं और देखते हैं पावर ज़्यादा आगे निकल जा रही है क्या ये। लो चलाओ इसे, आराम से चलाना है, विल्ली विल्ली ना लगे, टायर अगले वाला ख़त्म हो रखा है ना, तो विल्ली लगेगी अगर नीचे गिरेगी तो स्लिप हो सकती है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ आराम से उठाना, एक सेकंड। हमारा फोटोग्राफर कहाँ है, बीच में ही रहे यार खड़ा। तो गाइज अपने पास आ गई है MT-15 एंड KTM Duke 390 अपने निम्मो के साथ, रेस होने वाली है भाई। एक बार फर्स्ट राउंड तो निम्मो जीत चुके हैं, सेकंड राउंड में निम्मो ही जीतेगी, बट देखते हैं भाई MT का पावर, मतलब MT कितनी पीछे रह जा रही है 390 से, तो वो चीज़ चेक करेंगे आज गाइज। तो फिर चले, 1, 2, 3। अरे भाई ये तो बहुत पीछे रह गई। भाई MT की साउंड कैसी लगी गाइज। तो विनर तो भाई अपने निम्मो ही है 390 एंड गाइज। तो भाई हाँ यार बहुत बहुत पीछे रह जा रही है इससे ना, मतलब R15 V3 जो है वो थोड़ी, मतलब थोड़ी कम पीछे रहती हो, उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है इससे, है ना, ना उसमें R15 V3 में ज़्यादा पावर है थोड़ी, इससे ज़्यादा, इससे MT-15 से थोड़ी बहुत ज़्यादा पावर उसमें है V3 में, R15 V3 में, तो ये गोली बन जाती है तुरंत, बीस्ट है यार ये बिल्कुल। हाँ चलो फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करते हैं, या उसी को बुला लें, यहाँ धूप भी आ रही ना, बढ़िया फोटो वोटो आएगी, उसको बुला लेते हैं। हाँ हाँ यहाँ सही है। तो गाइस ड्रैग रेस कंप्लीट हो चुकी है एंड भाई आप लोगों ने देख लिया होगा कि MT-15 कितना मतलब पीछे रह गई है, एंड वही जो इससे मतलब ज़्यादा पावर ना यार R15 V3 में है, तो मतलब वो थोड़ी बहुत कम पीछे रहती है मतलब 390 से। एंड भाई RC 120, अरे भाई आराम से, भाई आराम से। मेरे को उड़ाने के चक्कर में है क्या। ऐसे लगा दे भाई, कैसे लगा दे। एंड गाइस RC 125 में जो रेस हुई है इससे पिछले वाली, जो पहले वाली जो वीडियो देखी है आपने, तो भाई उसमें भाई MT-15 भी जीत चुकी है, बिकॉज ये 155 cc है एंड वो 125 cc है। A few moments later. कह रहा तीनों चलेंगे यहाँ से भगाते हुए। तो गाइज फाइनली ड्रैग रेस आप लोगों ने देख ली एंड भाई ब्लॉग एंड कर दूंगा अभी तीनों में, एक बार देख लेते ड्रैग रेस। तो भाई ऐसा करना, तुम दोनों पहले चलना ठीक है, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, 1, 2, 3 गो। ओहो गाइस हाइपर राइडिंग।
भाई यहाँ एमटी जीत रही है। मैं तो भगा ही नहीं रहा भाई, भगा दूँ क्या, गोली बन जाएगी फिर गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे स्टॉप है तो यहाँ से गाइस भगाते हो, चलते बाकी गाइस ब्लॉग एंड, तो मिलते हैं तब तक, टिल दैट राइड सेफ। आ गया ना गाइस मजा ड्रैग रेस में। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल दैट राइड सेफ, मिलते हैं गाइस। और गाइस कंटेंट मिलते रहेंगे, थोड़ा बहुत गाइस लेट भी आता है कोई बात नहीं यार, तो कंटेंट वगैरह मिल नहीं पाते, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है गाइस कि इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोगों को भी अच्छी लगे, थोड़ा बहुत फन भी हो, थोड़ी कॉमेडी हो, थोड़ा बहुत मज़ा भी आया आप लोगों को, मतलब साउंड वगैरह भी हो उसमें थोड़ा बाइक का। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल दैट राइड सेफ।